इस चैनल पर हम आपके लिए रहस्यमय और स्वास्थ्य संबंधी सभी बातें लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मौसम बदलाव के साथ साथ शरीर पर भी कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं और उन बदलाव के कारण शरीर पर कुछ ऐसे असर होते हैं जिनके कारण खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार हो जाती है। यदि आप सर्दी, जुकाम या खांसी से पीड़ित हैं तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा रामबाण नुस्खा बताएंगे जिसे यदि आप अपनाते हैं तो आपकी सर्दी, जुकाम या खांसी इसी समस्या एक ही दिन में ठीक हो जाएगी। कौन सा है वह नुस्खा, उसके बारे में जान लेते हैं। इस नुस्खे के लिए आपको बस दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। वह दो चीज़ें हैं काली मिर्च और बताशा। आपने बताशा तो ज़रूर खाया होगा। हम आपको बता दें, बताशा सफ़ेद रंग के होते हैं जो कि चीनी से बनाए जाते हैं, और काली मिर्च में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर तुरंत अटैक करते हैं और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसके लिए आपको काली मिर्च और बताशा का सेवन करने का भी पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं सेवन करने का सही तरीका। काली मिर्च और बताशा सेवन करने के लिए आपको रात के समय सोने से पहले ध्यान रहे इसका सेवन करें। बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना होगा। इसके लिए आपको 2 से 4 बताशा और 6 से 8 काली मिर्च की आवश्यकता होगी। इसका सेवन करने के लिए बताशे में काली मिर्च लगाकर सेवन करें और बाद में सो जाए। यह उपाय करने से सुबह तक आपकी सर्दी और खांसी पर काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और वह ठीक हो जाएगी। और यदि फिर भी आपकी सर्दी और जुकाम ठीक नहीं हो रही तो आप दूसरे और तीसरे एक बार फिर से इस उपाय को करें। ऐसा करने से बहुत जल्दी आराम मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। किसी भी तरह की मदद अथवा सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।